डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12, मैं जनार्दन यादव आज कक्षा 12 के पाठ 6 उत्पत्ति या प्रतिफल के नियम के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम, जिसे हम उत्पादन के नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द लॉ ऑफ रिटर्न्स। हम जब किसी भी तरह का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। पीछे आपको बताया जा चुका है कि उत्पादन के कुल 5 साधन होते हैं। उत्पादन के साधनों को 5 वर्गों में रखा गया है। ये 5 वर्ग हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। ये उत्पादन के 5 साधन हैं। इन 5 साधनों को हम समान अनुपात में नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सभी साधनों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। भूमि की विशेषता है, जो उत्पादन का एक प्रमुख साधन है, कि इसकी मात्रा को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। भूमि की पूर्ति सीमित है, प्रकृति ने जितना प्रदान कर दिया है उसी का हम उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी वृद्धि अथवा कमी नहीं कर सकते। इसी तरह से श्रम की पूर्ति भी तात्कालिक रूप से नहीं बढ़ाई जा सकती। श्रम यद्यपि धीरे धीरे बढ़ा, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वयस्क बनने में 18-20 साल 21 साल लग जाते हैं, तुरंत कोई बच्चा काम करने लायक नहीं बनता है। तो इस तरह से श्रम की पूर्ति धीरे धीरे तो बढ़ती रहती है, लेकिन हम उसको तात्कालिक रूप से नहीं बढ़ा सकते। तो इस प्रकार लॉ ऑफ रिटर्न्स हमें बताता है कि उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन की जो कंडीशन प्राप्त होती है, जो दशाएं उत्पन्न होती हैं, उसे ही हम उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम कहते हैं। प्रतिफल हमें जो उसका रिजल्ट मिलता है, जितना हमें प्रोडक्शन मिल पाता है। देखिए, जब हम साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन बढ़ने की 3 दशाएं होती हैं। पहली दशा होती है उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस दशा में उत्पत्ति के साधन को बढ़ाने पर उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है, अर्थात जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, जब उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है तो उसे हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। इसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है। इसकी दूसरी दशा है उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। उत्पत्ति समता नियम हमें यह बताता है, या उत्पादन की ऐसी दशा है जिसमें उत्पादन को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक उसी उत्पादन के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, ठीक उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ता है। जैसे अगर एक श्रमिक, मान लीजिए, दिन भर में 1 साइकिल बना देता है, तो 2 श्रमिक लगाएं 2 साइकिल बन जाए, 3 श्रमिक लगाएं 3 साइकिल बन जाए, 4 श्रमिक लगाएं 4 साइकिल बन जाए। इस तरह से जिस अनुपात में हम श्रमिकों को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में उत्पादन भी 1:2:3 बढ़ता जा रहा है। इस तरह की कंडीशन को हम उत्पत्ति समता नियम के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति का तीसरा नियम है उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ह्रास माने होता है कमी, ह्रास का तात्पर्य है घटना, कम होना। इस तीसरी दशा में उत्पादन के साधन बढ़ाने पर जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे होते हैं उससे कम अनुपात में उत्पादन
बढ़ता है, यानी उत्पादन बढ़ने की गति बहुत धीमी हो जाती है और साधनों की तुलना में वह बहुत कम गति से बढ़ता है, जिसे हम उत्पत्ति ह्रास नियम के नाम से जानते हैं। अब हम आपको जो है उत्पत्ति वृद्धि नियम, जो उत्पत्ति का पहला नियम है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम साधारणतया जब हम उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं तो उत्पादन की तीन दशाएं उत्पन्न होती हैं, या तो उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, या उत्पादन उसके बराबर रहेगा, अथवा उससे कम हो जाएगा। उत्पत्ति वृद्धि नियम एक ऐसी दशा है जिसमें उत्पादन के साधन हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उससे अधिक अनुपात में उत्पादन बढ़ता है। इसे नीचे इस तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है। देखिए, तालिका में पहले खाने में श्रम की इकाइयां नंबर ऑफ लेबर्स दिखाया गया है। जैसे श्रम की इकाइयां, श्रमिकों की संख्या एक से बढ़ाकर 2, 3, 4, 5 की जा रही है। श्रमिक का पहले एक श्रमिक काम करता था तब 80 क्विंटल अनाज का उत्पादन होता था। जब हमने एक श्रमिक से बढ़ाकर 2 श्रमिकों को काम पर लगा दिया तो उत्पादन बढ़ करके 80 से 180 क्विंटल हो गया। इसी प्रकार जब 3 श्रमिकों को काम पर लगाया गया तो कुल उत्पादन टोटल प्रोडक्शन बढ़ करके 330 क्विंटल हो गया। जब 4 श्रमिकों को हमने काम पर लगा दिया तो कुल उत्पादन 540 क्विंटल हो गया। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या एक और बढ़ाकर जब हमने 5 कर दिया तो कुल उत्पादन बढ़ करके 875 क्विंटल हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्पादन के जो साधन हैं उनको दुगुना, तिगुना, चौगुना और 5 गुना करने पर कुल उत्पादन में दुगुने से ज्यादा, तिगुने से ज्यादा, चौगुने से ज्यादा और 5 गुने से ज्यादा वृद्धि हो रही है। इस तरह की कंडीशन जब पाई जाती है तब हम इसको उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इस तालिका में इस कुल उत्पादन से हम औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन भी ज्ञात कर सकते हैं। औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए जितना उत्पादन हुआ है उसमें हम उत्पादन के साधनों की संख्या से भाग दे देते हैं, यानी कुल उत्पादन में जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नंबर से भाग दे देते हैं तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैसे पहले साधन ने कुल 80 क्विंटल का उत्पादन किया, 80 में जब हमने 1 से भाग दिया तो औसत उत्पादन के रूप में हमें 80 क्विंटल ही प्राप्त हुआ, यानी कुल उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों यहाँ पर बराबर हैं। इसी प्रकार अगर 1 से ज्यादा मजदूर न काम पर लगाए जाते तो सीमांत उत्पादन भी 80 ही बना रहता है। यानी अगर पहली कंडीशन को हम देखें तो पहली कंडीशन में टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों आपस में बराबर बने रहते हैं। जब उत्पादन के साधन को बढ़ाकर 2 कर दिया जाता है, यानी दुगुना कर दिया जाता है, तो कुल उत्पादन बढ़कर के 180 हो जाता है और एक जब हम इसका औसत उत्पादन 180 में 2 से भाग देते हैं तो हमें औसत उत्पादन के रूप में 90 क्विंटल प्राप्त होता है। और सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए इन 2 व्यक्तियों का जो उत्पादन है 180, इनमें से पहले व्यक्ति का उत्पादन जो 80 है इसको घटा दिया जाता है तो घटाने पर हमें 100 क्विंटल के रूप में सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन में कुल उत्पादन 330 है, 330 में जब हम 3 से भाग देते हैं तो हमें औसत उत्पादन 110 प्राप्त होता है और सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम 330 में से 180 को घटा देते हैं और हमें 150 क्विंटल के रूप में सीमांत उत्पादन प्राप्त हो जाता है। चौथी इकाई से कुल उत्पादन 540 क्विंटल है,
इस 540 क्विंटल का औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए हम 540 में जब 4 से भाग देते हैं तो यह हमें 135 क्विंटल एवरेज प्रोडक्शन 135 क्विंटल मिलता है। और सीमांत प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए मार्जिनल प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए हम 135 ये जो एवरेज प्रोडक्शन है इधर जब आप टोटल प्रोडक्शन देखेंगे 540 है 540 में से हम 330 को घटा देते हैं और फलस्वरूप हमें 210 क्विंटल के रूप में मार्जिनल प्रोडक्शन मिलता है। इसी प्रकार पांचवी कंडीशन में टोटल प्रोडक्शन 875 क्विंटल है और इसका एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए हम 875 में 5 से भाग देते हैं और भागफल के रूप में हमें 175 क्विंटल एवरेज प्रोडक्शन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार सीमांत प्रोडक्शन ज्ञात करने के लिए हम 875 से 540 को घटा देते हैं और हमें सीमांत उत्पादन 335 क्विंटल मिल जाता है। यहाँ पर आप तालिका में देख रहे हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम की दशा में जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों को बढ़ा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन 80 से 180, 180 से 330, 330 से 540, 540 से 875 औसत उत्पादन 80 से 90, 90 से 110, 110 से 135 और 135 से 175 तथा सीमांत उत्पादन 80 से 100, 100 से 150, 150 से 210 और 210 से 335 हो जाता है। इस प्रकार तालिका से हमें यह पता चलता है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम की दशा में टोटल प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन तीनों में वृद्धि होती है। इसे हमने इधर रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। इस रेखा चित्र में नीचे ओ एक्स अक्ष पर यहाँ ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयां दिखाई गई हैं और ऊपर सीमांत एवं औसत उत्पादन दिखाया गया है। देखिए एम पी मार्जिनल प्रोडक्शन रेखा और ए पी एवरेज प्रोडक्शन रेखा है जो लगातार ऊपर को उठती जा रही हैं, जो इस बात को प्रकट करती हैं कि जैसे जैसे श्रम की इकाइयां बढ़ाई जाती हैं वैसे वैसे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें यह बताता है कि हम जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं कुल उत्पादन औसत उत्पादन एवं सीमांत उत्पादन बढ़ता जाता है। थैंक यू वेरी मच।